जय हिंद मेरे भाई। तो आज का जो वर्कआउट होने वाला है वह है चेस्ट के ऊपर, छतिया के ऊपर। क्या बात, छतिया ग्रो काहे नहीं हो रहा? क्योंकि काफी मेरे भाई लोग ना मैसेज करते हैं, बोलते हैं क्या जी हम 3-4 महीने जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा छाती ग्रो नहीं हो रहा, बड़ा पतला दुबला टाइप से दिखते हैं। और इवन टी शर्टों पहनते तो बड़ा ढीला ढका रहता है कि साला छातिया कौची है, छातिया दिखवे नहीं करता। और दोस्तों लोग कमेंट वो करता है भाई साला तू उतर दिन से जिम कर रहा है कि नाचा नाची वाला टाइप से कर रहा है, तो बड़ा खराब लगता है। तो कुछ आप ऐसा बता दीजिए जिससे मेरा छाती ग्रो हो जाए। तो भैया आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए ऐसा एक्सरसाइज क्रिएट किया हूँ, और साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी गलती बताऊंगा जिसके कारण आपका छाती ग्रो नहीं हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले छोटी सी गलती से शुरुआत करते हैं, और आपके लिए छोटी होगी लेकिन छोटी नहीं भैया, ये बहुत बड़ी गलती है और एकरे कारण आपका छाती ग्रो नहीं होने दे रहा। तो कौन सी गलती मालूम है? वो आपका वार्म अप का टाइप हमेशा पुशअप करना। जा रहे आप बाइसेप्स करने के लिए तो सबसे पहले पुशअप पे करेंगे। अरे भैया वार्म अप के लिए आप पुशअप ऐड करिएगा जी। चल ठीक है, थोड़ा मोड़ा गर्मा लीजिए, लेकिन काफ़ी लोग देखते हैं गर्मा लीजिए अचानक से पुशअप में जो से आ जाते हैं, इसलिए और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 10 15 हो गया, ऐसे कर लिए। आप जाके बाइसेप करते हैं, ठीक है। फिर अगर क्या हो गया, ट्राइसेप्स बनाना है, चल चल पुशअप मारेंगे 1 2 3 4 चल। आज शोल्डर डे, हाँ शोल्डर डे, ले वार्म अप कर लिए, ले बेटा पुशअप ले। अरे भैया हर चीज़ में पुशअप ऐड करिएगा जी। तो आप पुशअप तो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वाला रेस्ट लेगा जी? नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब आप कोई मसल्स का एक्सरसाइज करते हो ना, तो वो मसल का पार्ट टूटता है, और वो रिपेयर कैसे होता है? रेस्ट से, डाइट से, तब जाके वो मसल ग्रो होता है। लेकिन आप मंडे को चेस्ट हिट किए, ठीक है, और ट्यूजडे को और वेडनेसडे को आपका बाइसेप्स एक्सरसाइज है, और क्या कर लिए? पुशअप लगा लिए। पुशअप लगाए, आपका कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, आपका ये मसल बढ़ने नहीं देगा। तो ये गलती कर रहे तो ये गलती बंद करिए। पुशअप कब कर रहा है? जब आपका चेस्ट डे रहेगा उसी दिन। तो मंडे को आप चेस्ट कर रहे हैं तो उसी दिन पुशअप करना। और कौन सा पुशअप कर रहा है? तीनों फॉर्मेट का पुशअप, इनक्लाइन, डिक्लाइन और आपका नॉर्मल। कैसे करना वो देखिए। सबसे पहले जब आप पुशअप लगाते हैं तो अपना फोकस एक ही चीज जगह रहना चाहिए, ठीक है, आपका हाथ, आपका पैर, आपका बैलेंस, आपका फोकस। काफी लोग तो जोशी आ जाते हैं और दिल लगते हैं, चेस्ट दे, चलो मार 1 2 3 4 5 चल 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 इंक्लाइन मारेंगे, चल चल, ना तो फिर भारी हो जाएगा आदमी लोग का, जमावड़ा हो जाएगा। नहीं भैया, अरे आने दो जाने दो, कोई मतलब नहीं। पुशअप करना है तो कोशिश करना 30 से 40 बार करने का। जितना ज़्यादा बॉडी वेट एक्सरसाइज करेंगे ना, जितना ज़्यादा आप पुशअप करेंगे ना, उतना ही आपका शोल्डर में पावर आएगा, आपका यहाँ पावर आएगा, आपका छाती ग्रो होने में मदद करेगा। और पुशअप करने के बाद क्या करना है? अपना चेस्ट को फ्लैक्स करना, इसे करके बॉडी बिल्डर बन जाना, ठीक है। तो कम से कम आपको करना है 3 सेट नॉर्मल का, और फिर डिक्लाइन करना, फिर इंक्लाइन करना, और सेम आपको स्ट्रेच करते रहना। जब का ये हो जाएगा ना, तब करेंगे इसके बाद वेट ट्रेनिंग करेंगे। और वेट ट्रेनिंग करने के लिए आपको लाना होगा 2 डंबल। तो क्या करना है? सबसे पहले इंक्लाइन करेंगे, ठीक है। तो इंक्लाइन करने के लिए आपको चाहिए बेंच प्रेस, तो मेरे पास बेंच प्रेस नहीं है, लेकिन देखिए टिल्ला है ना जी, हम लोग जंगल में कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, तो देखिए टिल्ला है ना इस टाइप से, तो यहाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे? नॉर्मली ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। और देखिए पोजिशन, देखिए आपका टिल्ला के पास आपका हो जाएगा माथा और थोड़ा सा नीचे, और अपना हाथ यहाँ रहना चाहिए आर पार गैप टाइप से, और ऐसे करके, ठीक है, फोकस के साथ धीरे धीरे स्ट्रेच करना है और प्रेस करना है। देखिए 90 डिग्री, सबसे पहले इंक्लाइन से स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल से नहीं, ठीक है ये। और यहाँ फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर रहना चाहिए, कौन सी? कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं तो लोग करते एक्सरसाइज भाई यहाँ, और सोचते घर के बारे में, अरे साला आज तो मटन बनेगा रहे, दबा के खाएंगे, तो कहाँ फ़ायदा होगा जी? फायदा होगा मसल, माइंड दोनों मिलना चाहिए, तब जाके आपका मसल ग्रो होगा। तो इस चीज़ को करना है 15 से 20 बार, और करने के बाद तुरंत आना है स्ट्रेचिंग पे। ये बॉडी बिल्डर, आमी बॉडी बिल्डर, आमी रोल बिल्डर, ये वाला फ्रंट साइड चेस्ट, ये वाला ऐसे, फिर इधर से, फिर इधर से, मतलब 2 से 3 मिनट आपको फ्लैक्स करना है। और उसके बाद आराम से बैठ जाइए 3 मिनट 4 मिनट, फिर उसके बाद में अगला सेट कंप्लीट करिए, ठीक है। तो 3 से 4 सेट रखिएगा। अब करेंगे आपका नॉर्मल बेंच प्रेस, तो नॉर्मली ऐसे कर देंगे, ठीक है, और वही चीज़ आपको करना है। लेकिन क्या करना है इस चीज़ में, देखिए ये करना है। सबसे पहले आपको कमर को उठा के आर्च बना लेंगे, यहाँ भी सेम, देखिए घुस रहा है ना जी, आर पर हो रहा ना, तो वही करेंगे सेम, और ऐसे करके नीचे ले जाएंगे और अप, नीचे ले जाएंगे और अप, नीचे ले जाएंगे
अप हो गया आपका 12 से 15 बार, और सुतले सुतले क्या करना, स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना, फिर ऐसे करके स्ट्रेच करना, फिर ऐसे करके स्ट्रेच करना, फिर उठ जाना। अब 2 से 3 मिनट रेस्ट, फिर सेट कर देंगे वही 3 से 4 बार। तीसरा करेंगे डिक्लाइन बेंच प्रेस। नॉर्मली देखिए कैसे उठाना है, अपना कमर को उठा लिया, डिक्लाइन बन गया, और ऐसे करके ऐसे लेना है और स्ट्रेच करना है लोअर चेस्ट के लिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ऐसे करना है। हो गया आपका 12 से 15 रिपीटेशन, और इसी में फ्लैक्स जॉन सीना पूरा, आपको 1 से 2 मिनट फ्लैक्स करना है। अरे भैया आप इस पैटर्न में को ज़्यादा नहीं 21 दिन फॉलो करके देखिए, 21 दिन गारंटी के साथ करें कि आपका छाती ग्रो होने लगेगा, और नहीं होगा ना तो आप मेरे को कमेंट करके गरियाइएगा भैया फायदा नहीं हुआ। दावा के साथ करें कि अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेंगे 100% आपका छाती ग्रो करवा देगा। और रही बात सबसे बड़ी गलती क्या चीज़ मालूम है, जैसे आप लोग बिगिनर हैं ठीक है, और जिम ज्वाइन कर लेते जो जो उसमें, तो जाके एक के दिन सारा इक्विपमेंट करने लगते हैं, मतलब 7-8-9 वेरिएशन ऐड कर लेते हैं, सोचते हैं कि ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे ना तो ज़्यादा छाती बड़ा करवाएगा, मसल जल्दी चौड़ा होगा। तो नहीं भैया ये गलत फहमी मत रही है, कम एक्सरसाइज करिए और खाइए और सोइए, तब जाके आपका ये ग्रो होगा, और ये सब मसल में अप्लाई होती है, क्योंकि आप अभी आप बिगिनर है जी, अभी आप बच्चा है इस सब चीज़ के मामले में ठीक है, आपको उतना आइडिया नहीं है। तो क्या करना है, कम एक्सरसाइज करना है जो बताएं, बस इसी चीज़ को करना है, और रेस्ट अगर आप मंडे कर रहे हैं तो नेक्स्ट कब हिट करेंगे, थर्सडे को हिट करेंगे या वेडनेसडे को हिट करेंगे, तब जाके आपका छाती ग्रो होगी। तो आई होप जो चीज़ समझाने की कोशिश की आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर आपको अभी कन्फ्यूजन आ रहा है ना तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम करते थे और अभी भी कर रहे हैं, कैसे सुधारेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।